बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो सीक्वेंस डायग्राम्स एक और तरह की डायग्राम होती है UML के अंदर, और इसका मतलब ये होता है कि आप जो है डिफरेंट एक्टर्स और ऑब्जेक्ट्स जो आपके सिस्टम में इन्वॉल्व है वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या मैसेजेस एक दूसरे को पास ऑन कर रहे हैं, एक दूसरे को किस तरीके से कॉल कर रहे हैं वो। सो सीक्वेंस डायग्राम शोज़ द सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन। किसी एक पर्टिकुलर यूज़ केस में, ये यूज़ केस से भी अगर आप स्मॉल स्केल पे चले जाएं तो यूज़ केस इंस्टेंस के अंदर जो है ऑब्जेक्ट्स और एक्टर्स किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, एरोस के थ्रू इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मेडिकल रिसेप्शनिस्ट जो है वो पेशेंट इन्फो से कह सकता है कि व्यू इंफॉर्मेशन, जिसके अगेंस्ट जो है मेंट केयर को रिक्वेस्ट जा सकती है रिपोर्ट की, जहाँ पे फर्दर ऑथराइजेशन के लिए ऑथराइजेशन का मॉड्यूल कॉल होगा जिसकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा तो पेशेंट इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी। अगर ऑथराइजेशन फेल होती है तो एक्सेस नहीं मिलता, ऑथराइजेशन फेल नहीं होती ओके हो जाती है तो एक्सेस मिल जाता है। तो ट्रांसफ़र का इसी तरीके से एक और सीक्वेंस डायग्राम है। टॉप पे जो है आप हमेशा एक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे या ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अपडेट इन्फो है, अपडेट इन्फो के अगेंस्ट अपडेट पी आर पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम कॉल होता है, ऑथराइजेशन होती है, मैसेज ओके जाता है तो अपडेट समरी इस तरीके से मैसेज जा सकता है पेशेंट इंफॉर्मेशन को, मैसेज गया वहाँ से समराइज का मैसेज गया आगे। इस तरीके से डिफरेंट सिस्टम्स को जो है मैसेजेस, डिफरेंट कंपोनेंट्स को मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हो।